कोतवाली सर्किल के लॉकडाउन क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान किया, जिसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोतवाली सर्किल के तीनों थाना क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया और सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे व्यक्ति समीर प्रेम शंकर गोस्वामी नंदन पाठक थाना तिवारीपुर एवं दीपक इलाही बाग का 100-100 रुपए का चालान काटा गया और मास्क लगाने के लिए और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए बताया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, जब लोग अनावश्यक घूम रहे क्या कर रहे हैं? अनावश्यक घूम रहे हैं या जो मास्क नहीं लगा रहे हैं शासन के निर्देश के क्रम में, हम लोग उनका चालान लगातार 2 दिन से कर रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं अनावश्यक घर के बाहर ना निकलें और बहुत आवश्यक कार्य से निकलना भी पड़े तो मास्क को जरूर चेहरे पर लगाए रखें और 2 मीटर का डिस्टेंस अवश्य रखें। ये सारी सुरक्षा लेके निकलिए और आवश्यक सामान लेके घर चले जाइए। जीवन की सारी आवश्यकता की वस्तुएं जैसे दवाई है, राशन है, दूध है, सब्जी है, वो ठेले और निश्चित दुकानदारों के माध्यम से ऑनलाइन डिमांड भेजने पर उनके घर में होम डिलीवरी कराई जा रही है। 70 दिन पहले भी किया गया था तो ये 7-8 दिन का पीरियड बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं है और जनता उसकी अभ्यस्त भी है और वो उसका पालन भी कर रही है। जो लोग बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं उनका चालान मैं कल भी किया था, मैंने आज भी कर रहा हूँ, ये सूचना अभी आपको मिल जाएगी।